नमस्कार, इस दीपावली मोदी सरकार की ओर से 10 बड़े ऐलान, महिला, स्टूडेंट, किसान व सभी के लिए, देश के सभी लोगों के लिए मोदी सरकार की ओर से आ रहे 10 बड़े नए अपडेट, जिसमें महिला व स्टूडेंट, किसान शामिल हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस दीपावली पे 10 बड़े ऐलान किए हैं, जो इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे 10 बड़े नए न्यूज अपडेट के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देख करिए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इन नए 10 अपडेट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन को लेकर किया बड़ा फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपो लिक्स ब्याज दर में काफी कटौती की गई है, यानी 0.25% की कटौती ब्याज में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से की गई है। इससे पहले 0.25% को लगातार 5 बार घटा दिया, यानी सबसे ज्यादा ये कटौती SBI बैंक की ओर से की गई है। यानी अगर आप होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेते हैं, यानी कोई भी रिटेल लोन लेते हैं, ब्याज दर कम देना होगा। मतलब पहले आपको इसके लिए 5.40% ब्याज देना होता था, लेकिन अब आपको 4.90% ही ब्याज देना होगा। तो दिवाली के इस अवसर पर कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए बहुत सारी छूट ब्याज दरों में दी है। अगली खबर SBI की ओर से, SBI में खोले अपनी बेटी के नाम पर स्पेशल खाता, 31 दिसंबर तक मिलेगा 8.4% मुनाफा। देश में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में अभी भी लोकप्रिय बनी हुई है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची में उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला रिटर्न, जो कि किसी भी अन्य योजना से ज्यादा है। फिलहाल की बात करें तो 8.4% ब्याज मिल रहा है। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस स्कीम में सेक्शन 80C के तहत योजना में निवेश करने पर टैक्स का भी फायदा मिलता है, यानी सालाना 1.5 लाख रुपए में निवेश पर आप टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं। स्कीम में मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होगा। आपको बता दें कि अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अपनी बेटी का खाता नहीं खुलवाया है तो 31 दिसंबर तक आप इसके लिए खाता खुलवा सकते हैं, जिस पर 8.4% तक SBI बैंक की ओर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर इंडियन रेलवे की ओर, नई सुविधा, अब सामान चोरी होने पर चलती ट्रेन में कर सकेंगे FIR। भारत सरकार ने करोड़ों रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी को आसान करने जा रही है। आपको बता दें, मामला यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की। आपको बता दें कि अब रेलवे एक नया ऐप जारी करने जा रहा है, जो 10 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद आप चलती ट्रेन में अपने मोबाइल से FIR कर सकेंगे। 10 अक्टूबर को ये ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने चोरी हुए सामान या फिर कई बार स्नेचिंग जैसी वारदात यात्रियों के साथ हो जाती है, तो इस चीज को रोकने के लिए रेलवे ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसे आप 10 अक्टूबर के बाद डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास चलती ट्रेन में किसी भी प्रकार की वारदात होती है या फिर आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आप तुरंत उसके लिए FIR कर सकते हैं अपने फोन के जरिए, जिसके बाद रेलवे उस पर कार्रवाई करेगा। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की ओर, 4 लाख निराश्रित महिलाओं को योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेंशन देने के लिए जारी निर्देश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 4,09,000 निराश्रित महिलाओं के खातों में दिवाली से पहले पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। इनमें 87,000 वो महिलाएं शामिल होगी जिन्हें पिछले 20 वर्ष में ट्रेजरी में देरी से बिल लगाए जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका। सरकार ने महिलाएं कल्याण निदेशालय को हर साल में त्योहारों के सीजन में पेमेंट करने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने 23,49,000 निराश्रित विधवा महिलाओं को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। इनमें से 28 लाख महिलाओं के खातों में सितम्बर में इस वित्त वर्ष की पहली 2 किस्तें भेज दी गई है, लेकिन बैंकों के IFC कोड बदलने से 3,21,000 महिलाओं के खातों में राशि नहीं दी जा सकी। आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि दिवाली से पहले इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में 500 रुपए की पेंशन भेज दी जाए। दिवाली से पहले ये राशि उन सभी महिलाओं को प्राप्त हो जाएगी। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, 6 करोड़ किसानों को सरकार का दिवाली गिफ्ट, 30 नवंबर तक खातों में आएगी किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। देश के 6 करोड़ किसानों को अच्छी खबर, सरकार ने 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त खाते में 30 नवंबर तक डालने का फैसला किया है। इसके लिए बुधवार
को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए तीन किस्तों में, 2000 की तीन किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना के लिए दूसरी और तीसरी किस्त के पैसे जिन किसानों को दूसरी तीसरी किस्त नहीं मिली है उन्हें 30 नवंबर तक उनके खातों में डाले जाने की बात कही गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को एक और राहत दी है जिसमें 30 नवंबर तक किसान अपने आधार कार्ड में एडिटिंग कर सकते हैं। यानी जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आधार कार्ड से आवेदन नहीं किया है तो उन्हें आधार कार्ड अपने आवेदन में जुड़वाना होगा। इसके अलावा आपको अगर आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप अपने आधार कार्ड में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी उसे लिंक कर सकते हैं अपने आवेदन से। और इसके लिए पहले अक्टूबर था लेकिन अब आपको 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। तो अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन आवेदन में मिस्टेक है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड में नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 30 नवंबर तक का समय सरकार की ओर से दिया गया है।